जब हम कहते हैं कृष्ण वो जो है उसका मूल तत्व वो एक ऐसे बच्चे हैं जिन्हें संभालना मुश्किल है बेहद शरारती एक मोहक बांसुरी वादक एक सुंदर नर्तक एक सम्मोहक प्रेमी एक बहादुर योद्धा अपने दुश्मनों के निर्मम संहारक एक ऐसा इंसान जिसने हर घर में एक टूटा दिल छोड़ा एक चतुर राजनेता और राजा बनाने वाले एक संपूर्ण सज्जन सबसे ऊंची कोटी के योगी और सबसे रंगीले अवतार कृष्ण को अलग अलग लोगों ने कई अलग अलग तरीकों से देखा समझा और अनुभव किया है दुर्योधन के शब्दों में वो एक मुस्कुराता हुआ बदमाश है अगर कभी कोई ऐसा इंसान हुआ हो तो वो खा सकता है पी सकता है गा सकता है नाच सकता है प्यार कर सकता है लड़ सकता है बूढ़ी औरतों के साथ गपशप कर सकता है छोटे बच्चों के साथ खेल सकता है कौन कहता है कि वो भगवान है यह दुर्योधन का नजरिया है शकुनी का कहना है चलो मान लेते हैं कि वो भगवान है तो क्या भगवान कर ही क्या सकता है भगवान केवल उन भक्तों को खुश कर सकता है जो उसे खुश करते हैं उसे भगवान होने दो तो मुझे वो पसंद नहीं है और जो आपको पसंद नहीं है आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए <laughs> यही चालाकी है राधे उनके बचपन की प्रेमिका एक दूध वाली गांव की एक साधारण सी महिला लेकिन अपने जबरदस्त प्रेम और भक्ति के कारण वो इतनी बड़ी हो गई हैं कि आज आप राधे के बिना कृष्ण की बात नहीं कर सकते हम कृष्ण राधे नहीं कहते हम राधे कृष्ण कहते हैं वो कहती हैं कृष्ण मेरे साथ हैं वो हमेशा मेरे साथ हैं वो चाहे जहां भी हों वो चाहे जिस किसी के भी साथ हों वो फिर भी मेरे साथ हैं यह उनका अनुभव है वेंतेया एक युवक जो गरुड़ राज का सबसे बड़ा बेटा था और गोमंतक के पहाड़ों पर रहता था एक जबरदस्त नौजवान पर एक बीमारी ने उसे पूरी तरह से अपंग कर दिया था कृष्ण से मिलने के बाद इस अपंग नौजवान ने उनकी मदद से चलना शुरू कर दिया तो वेंत्या ने कहा वो भगवान है वो भगवान है वो भगवान है अक्रूरा। अक्रूर अक्रूर कृष्ण के एक चाचा एक बुद्धिमान और संत जैसे इंसान उन्होंने कृष्ण के बारे में अपने अनुभव को इस तरह से व्यक्त किया कृष्ण जब मैं उसे देखता हूं ये विचित्र युवा लड़का तो मुझे उसके चारों ओर सूरज चंद्रमा और सात सितारे घूमते हुए दिखते हैं वेन ही स्पीक्स ही सैउंड लाइक द वॉइस ऑफ द एटरनल जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे अनंत की आवाज बोल रही है वही आसरा है अगर इस दुनिया में उम्मीद और आसरा है तो वही वो आसरा है शिखंडी एक पीड़ित इंसान चूंकि वो अपने भीतर एक तरह की अवस्था में फंसा हुआ था अपने बचपन से ही वो एक ऐसी आत्मा रहा है जिसने बहुत अत्याचार सहा है तो शिखंडी ने कहा कृष्ण ने मुझे कभी उम्मीद नहीं दी लेकिन जब वो मौजूद होते हैं तो उम्मीद की बयार हर किसी को छूती है मैं इस तरह लगातार बोल सकता हूं अलग अलग लोगों ने उनके अलग अलग पहलुओं को देखा कुछ के लिए वो भगवान हैं कुछ के लिए वो एक बदमाश हैं कुछ के लिए वो एक प्रेमी है कुछ के लिए वो एक योद्धा हैं उनके कई रूप हैं अगर हम उस सत्व का स्वाद चखना चाहते हैं जिसे हम कृष्ण कहते हैं जिस चेतना को हम कृष्ण कहते हैं अगर हम चाहते हैं कि वो हमें छुए तो हमें लीला की जरूरत है हम यहां लीला के लिए आए हैं लीला का मतलब यह उनका मार्ग है जो जीवन को एक खेल की तरह जीते हैं ये गंभीर लोगों के लिए नहीं है आप हैं क्या क्योंकि जब मैं जीवन को खेल की तरह जीने की बात करता हूं हम यहां सिर्फ खेलने के लिए नहीं आए हैं हम यहां जीवन के सबसे गहन और सबसे गंभीर पहलू की खोज के लिए आए हैं लेकिन खेल की भावना के साथ एक खेल की तरह वरना कृष्ण यहां नहीं होंगे दुनिया की विशाल आबादी जीवन के सबसे गहरे आयामों से चूक गई है और इसका कारण यह है कि वो नहीं जानते कि खेल की भावना में कैसे रहना है अगर आप इस मार्ग में खेल की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं अगर आप खेल खेलना चाहते हैं तो आपको एक प्यार से भरा दिल एक आनंदित मन और एक जोश से भरा शरीर चाहिए वरना लीला नहीं हो सकती